بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, COVID-19 की वजह से बहुत ज्यादा हमारा तालीमी नुकसान, तालीम में बहुत ज्यादा हमारा इसका नुकसान हो रहा है। इसके लिए अगर इदारे की तरफ से आपके लिए फैसिलिटी दी जा रही है आपको कि आपके YouTube पर लेक्चर्स मौजूद हैं, YouTube पर रिकॉर्डिंग की जा रही है, ताकि आपकी एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर इस चीज का कोई हर्ज ना हो। स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें और लेक्चर को प्रॉपरली अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। स्टूडेंट, आज अगरचे हमने क्लास में 9th क्लास को भी किया, 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 को हमने सॉल्व किया प्रॉपरली, यहां पर दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप फिर भी यहां से आप रिवाइंड करके आप उस दोबारा अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 स्टूडेंट, आपको पता है हमारे पास मैथमेटिक्स के हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, जो मैट्रिसेस हैं वो आपके साइंस की बहुत ज्यादा फील्ड्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में भी मैट्रिसेस का यूज है, फिजिक्स के अंदर भी। इसी तरह स्टूडेंट, मैथ का तो ये पार्ट है ही है। सबसे ज्यादा जो मैट्रिसेस यूज होते हैं वो स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होते हैं। मैट्रिसेस का सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर साइंस के अंदर होगा। स्टूडेंट, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट टाइम जो आइडिया वाज गिवन बाय फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट नेम इज आर्थर केले। आर्थर केले ने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था मैट्रिसेस का। कब स्टूडेंट? इन 19th सेंचुरी में, 1858 के अंदर उसने, आर्थर केले ने फर्स्ट टाइम हमें रिकॉग्नाइज करवाया था अबाउट मैट्रिसेस। इसका इंट्रोडक्शन दिया और उस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा था द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इसी तरह स्टूडेंट आगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक बार ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। सिंगुलर होता है स्टूडेंट मैट्रिक्स, और इसकी प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। प्लूरल मैट्रिसेस है और इसका सिंगुलर क्या है? मैट्रिक्स। जब हम एक मैट्रिक्स को कहेंगे, जब एक मैट्रिक्स होगा तो हम उसको मैट्रिक्स कहेंगे। जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो हम उसको कहेंगे मैट्रिसेस। इसी तरह स्टूडेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पीटीबी पेज नंबर 2 के ऊपर आपके मेंशन है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके अंदर दो बातों का आपने ख्याल रखना। फर्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स। ठीक है, क्या दो बातों का? पहली बात, अ रेक्टेंगुलर अरे। अरे स्टूडेंट कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इस बात का पता होगा अरे का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, अरेंज करके लिखनी होती है। कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर आप अरे बनाते हैं, वैल्यूज को आपने अरेंज करना होता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, वहां से आया वर्ड अ रेक्टेंगुलर अरे।
और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखें हम, से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 जैसे मुख्तलिफ नंबर्स है। अब आपने इसको अरेंज करने हैं रेक्टेंगुलर अरे अरे फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये नंबर्स को आपने अरेंज कर दिया, फिर आपने इसको इनक्लोज कर देना है, इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट में जब आप इसको इनक्लोज कर दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट मैं एक दफा अगेन रिपीट कर दूं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर कोई भी हमारे पास, डिफरेंट कोई भी रियल नंबर हमारे पास हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि ये सीक्वेंस के साथ हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 7, 10, 11, -5, -9, -11 कोई भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन इसको हमने अरेंज करना है रेक्टेंगुलर अरे के अंदर, और बाद में हमने उसको ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको क्लोज कर देना है, तो उस फॉर्म को हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का नाम देंगे। स्टूडेंट क्लियर हो रही है यहां तक अब आपको बात। अब यहां पे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम ये देखें एग्जांपल्स, 1, 2, 3, -5, 7, 11 ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। सो इस मैट्रिक्स की जो ये अंदर एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है, ये जो नंबर्स हैं अंदर इनको कहा जाता है एंट्रीज, इसको नाम दिया जाता है स्टूडेंट एंट्रीज का, या फिर आप इसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स, इनको आप एलिमेंट्स का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट मैट्रिक्स को अगर आपने नाम देना, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी गई आपने उसको एंट्रीज का नाम दे दिया, मैट्रिक्स को जब आपने नाम देना है तो हमेशा कैपिटल लेटर से देना। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स का मैं एक नाम रखना चाहूं तो मैं इस मैट्रिक्स का एक नाम रख देता हूं एम, कैपिटल लेटर से आपने इसका नाम रखना, नॉट अ स्मॉल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, उसकी एंट्रीज होंगी हमारे पास 1, 2, 4 एंड 8, लेकिन जो आपने एंट्रीज रखनी है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगी, लेकिन जब आपने मैट्रिक्स को आपने नेम देना है, मैट्रिक्स का आपने जब नाम सिलेक्ट करना है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो आपके पास दो चीजें होंगी, फर्स्ट इज रोज एंड सेकंड इज कॉलम। अगर आप देखें इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप देखें, जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है एंट्रीज की उनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उनको कॉलम्स कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया, अगर आपसे कोई रो की डेफिनेशन के बारे में हो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज रो, तो आप क्या कहेंगे, द एंट्रीज विच इज रिप्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोस, एंट्रीज represented in horizontal way are called rows, जो horizontally जो represent की जाती है entries उनको rows का row कहा जाता है, और rows और columns
कॉलम्स की एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। ऐसी एंट्रीज जो वर्टिकल वे टॉप टू द बॉटम, जो लेफ्ट से राइट की तरफ रिप्रेजेंटेशन होगी वो रोज है, जो टॉप से बॉटम की तरफ होंगी उनको कॉलम्स कहा जाएगा। इसकी थोड़ी सी हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट एग्जाम्पल्स आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल आपके समझने के लिए आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसकी एंट्रीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पे आपने बताना है रोज और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स। स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल वे से रिप्रेजेंट की जाती है एंट्रीज, जो लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंट की जाती है उनको रोज कहते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंटेशन है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। तो रोज कितनी होगी स्टूडेंट इसमें 2, कॉलम्स कितने होंगे जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होगी टॉप टू द बॉटम 3 कॉलम, 1, 2 एंड 3 कॉलम्स। कॉलम्स कितने होंगे इसके अंदर स्टूडेंट 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसी तरह स्टूडेंट एक हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं M, उसकी एंट्री रख लेते हैं 1, 2, 3 बस। हां जी, अगर यहां पे आपसे पूछा जाए रोज कितनी है, एक ही रो है, लेफ्ट से राइट स्टूडेंट एक ही रो है आपके पास, तो इसकी रोज कितनी है, रो कितनी है इसकी 1, और कॉलम 3, देखिए 1, 2 एंड 3 कॉलम और 1 रो, 3 कॉलम्स है और 1 रो है। ये थे यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और रो की डेफिनेशन, कि जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है एंट्रीज की उनको रोज कहा जाता है, और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स के अंदर उनको कॉलम्स कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्टूडेंट वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि आप स्टूडेंट एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आपने उसके अंदर बताना है कितने नंबर ऑफ रोज है और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब है अगर आपने ये एग्जांपल्स अभी मैंने आपको सॉल्व कराए, आपने इसमें बताया कि इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो इट्स मीन इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ये जो आप बता रहे हो, जो आप लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड और दिस मेथड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स M जो हमने कंसीडर किया, इसकी कितनी रो है, 1 रो है, और कॉलम्स कितने थे इसके अंदर 3 कॉलम्स थे, तो 1/3 इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। देखिएगा स्टूडेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का स्टूडेंट M/n, M/n, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और n रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स, M/n। स्टूडेंट एक बार ध्यान में रखिएगा यहां पे ऑर्डर के अंदर हमेशा ऑर्डर होता है रोज बाय कॉलम्स, यानी कि M/n।
कभी भी कॉलम्स पहले नहीं लिखा जाएगा, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे n बाय m तो ये गलत कंसीडर होगा, ये रॉन्ग है। हमेशा पहले क्या होना चाहिए, रोज और फिर कॉलम्स। ठीक, इसी से रिलेटेड स्टूडेंट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। उसके अंदर आपने क्या, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो मैट्रिसेस है आपने उसका ऑर्डर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। आपने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आप ऊपर मेंशन करेंगे फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि बोर्ड में आपने इस तरह पहले ऊपर मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को इस बात का पता लग जाए कि यू आर गोइंग टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नीचे आप हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन। हाँ जी, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है यहां पर 2-5, 3 and 6, ये एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स। आपने इसका ऑर्डर बताना है। मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो m बाय n। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहां पे पहले आप मेंशन करें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एम से। कितनी नंबर ऑफ रोज है स्टूडेंट, 1 and 2, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम्स है, 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, एम बाय एन। एम बाय एन, एम कितने नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास, 2 by 2। दिस इज योर आंसर। इस तरह स्टूडेंट आपने इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करना। जस्ट आपने ये नहीं लिख देना कि 2 by 2, इस तरह आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, बोर्ड में आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से पहले आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है, फिर आपने उसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर आगे आपने इसको सॉल्व करना। इसी तरह स्टूडेंट अगर देखा जाए एक क्वेश्चन और, डी पार्ट। एक मैट्रिक्स उसने आपको दिया हुआ डी 4, 0 and 6। हाँ जी, आपने इसका ऑर्डर बताना है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है, जिससे मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने इसकी रोज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी। नंबर ऑफ रोज को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, एम से। कितने नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर देखें, 1, 2 and 3, 3 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी एन, कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है टॉप टू बॉटम, एक ही कॉलम है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स डी एन इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू एम बाय एन, यानी कि 3/1। ये आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली तमाम इसी पैटर्न के ऊपर आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर आपने तमाम सिर्फ आपने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स का, जैसे एच मैट्रिक्स है यहां पे एच मैट्रिक्स है, चले ये भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एच मैट्रिक्स इसने दिया हुआ हमारे पास 2 3 4 1 0 6, 2 3 4 1 0 6। आपने स्टूडेंट इसका भी आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। कैसे? सबसे पहले आप मेंशन करेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, इसकी नंबर ऑफ रोज बता दें, फिर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बता दें, फिर आप इसका नीचे ऑर्डर फाइंड आउट खुद कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट, अब आपने सीख लिया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करके, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द इक्वल मैट्रिक्स। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर दो बातों का आपने ख्याल रखना। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया, अगर ये एक मैट्रिक्स ए है 1 2 4 5, इसके बारे में स्टूडेंट मैंने बताया क्या कि आपने कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स करने, कि रियल नंबर्स का आपने कलेक्शन करना और उसको आपने एक स्क्वेयर ब्रैकेट में बंद कर देना, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर नंबर 2 पे ये बात ध्यान में रखनी कि मैट्रिक्स को जब भी आपने नेम कॉल करनी है, उसको जब भी आपने कोई ना कोई नाम रखना है मैट्रिक्स का, वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रखना। कैपिटल इंग्लिश के अल्फाबेट्स होंगे ए बी सी और डी, यानी कि आप इसको स्मॉल ए स्मॉल बी के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट्स हैं इनको क्या नाम दिया था हमने? एंट्रीज। ये जो 1 2 4 एंड 5 क्या होंगी? एंट्रीज। इसके लिए डेफिनेशन करने से पहले हम दो बातें क्लियर कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है 1 2, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं? क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर? अगर आप सिंपली अगर आप इसको करें तो ये है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है? 2/1, यानी कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वल मैट्रिक्स होंगे उनके लिए ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए। ऑर्डर कैसे? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 2 नंबर ऑफ रोज थी और कॉलम्स कितने थे इसमें? 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज है और 1 कॉलम, 2/1। इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन क्या आएगी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स में? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, यानी कि जिन मैट्रिसेस में आपने कंपैरिजन करना है कि वो इक्वल हैं कि नहीं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके पास? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। नंबर 2। अच्छा चले, ये तो हो गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट्स मीन
अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो सी ए बी सी एंड डी, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसी के मुकाबले पे कंपैरिजन में मैं लिख देता हूं एक मैट्रिक्स ई हां जी, तो क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं? अब ये देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे? ऑर्डर तो सेम है। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे, यहां पे तो ऑर्डर दोनों का सेम है 2 बाय 2, इधर भी है 2 बाय 2, इधर भी है, स्टूडेंट ये भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? कि इसकी एंट्रीज डिफरेंट है। इसकी एंट्रीज क्या है ए बी सी डी, और इसकी एंट्रीज क्या है 1, 5, -4 एंड 6, इनकी एंट्रीज डिफरेंट है। यानी कि इसका मतलब यह कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होंगे इक्वल मैट्रिक्स होंगे। इसके बाद एक एग्जांपल हो रहा होगी, ये 3 स्टेप्स पे आपको समझ आएगा कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या। एक मैं सी मैट्रिक्स ही लिखता हूं ए बी सी डी, इसके साथ मैं मैट्रिक्स ई ही लिखता हूं, लेकिन इसकी एंट्रीज में चेंज करता हूं ए बी डी सी। हां जी, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 2, इसकी एंट्रीज कौन कौन सी है ए बी सी डी, इसकी एंट्रीज कौन कौन सी ए बी डी सी, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे? ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है, अभी भी ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, अभी भी ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? फिर वही क्वेश्चन कि सर आपने कहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। एक वर्ड जो यहां तक मैं क्यों इतनी लंबी बहस कर रहा हूं, या मैं आपको क्यों इतनी बात में आपको समझाने के लिए इतनी ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपको एक वर्ड सिखाना है कि उस वर्ड का मतलब क्या, वो वर्ड मैं लास्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि ये एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन ये अभी भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद फिर चलते हैं हम आगे, एक एग्जांपल हम और करते हैं, सी ही करते हैं ए बी सी डी, बल्कि इसका नाम हम रख लेते हैं एफ और जी। जी मैट्रिक्स है ए बी सी। हां जी सर, ये है इक्वल मैट्रिक्स। एफ और जी जो से है ये है इक्वल मैट्रिक्स। क्यों? इनका ऑर्डर क्या, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2। पहली बात क्लियर होगी कि इनका ऑर्डर से 2 बाय 2। नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग, जो वर्ड के लिए जो मैंने इतनी एग्जांपल्स दी वो मैंने आपको एक वर्ड सिखाना था, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। क्या स्टूडेंट? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये वर्ड मैंने सिखाने के लिए आपको इतनी लंबी एग्जांपल्स दी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के लिए कहते हैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर ए है, तो यहां पर फर्स्ट प्लेस के ऊपर ए ही होना चाहिए, यहां पर सेकंड प्लेस के ऊपर बी है, यहां पर बी ही होना चाहिए, सी और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, डी और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कि एक तो अब यहां पर 2 बातें क्लियर होगी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पर चले इसको दे, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं? नहीं इक्वल मैट्रिक्स। क्यों? ऑर्डर बेशक सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। यहां पे ए है, यहां पे क्या है 1, यहां पे बी है, यहां पे क्या है 2, यहां पे सी है, यहां पे क्या है 3, यहां पे डी है, यहां पे क्या है 4। ठीक है, बिल्कुल सेम एंट्रीज होनी चाहिए, उनकी प्लेसेस भी सेम होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होगा मैट्रिक्स का, तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो एक दो एग्जांपल्स और हम करते हैं, एच मैट्रिक्स है आपके पास 1, 2, 3, 4, और इसी तरह आई मैट्रिक्स है आपके पास
1, 4, 2, 3 इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 2, इसका ऑर्डर 2 by 2। फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर टू, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहां पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, यहां पे फर्स्ट प्लेस के ऊपर 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। सो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं। इक्वल मैट्रिक्स कैसे होंगे, ए मैट्रिक्स -5, 4, 3, 2 और बी मैट्रिक्स -5, 4, 3 and 2। दिस इज अ इक्वल मैट्रिक्स। क्यों, किसका, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अगर पहली एंट्री -5 है, इधर भी -5, इधर 4, इधर भी 4, इधर 3, इधर भी 3, इधर 2, इधर भी 2। यहां पे ऑर्डर सेम है लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। इधर 1 है तो इधर 1, इधर 2 है इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन इधर क्या आ गया, 4 आ गया। तो लिहाजा ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कि कौन सी कंडीशन, नंबर 1 कि जिन दो मैट्रिसेस में आपने कंपैरिजन करना है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की प्लेसेस चेंज है, वैल्यूज चेंज है, तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। स्टूडेंट मैं फिर एक दफा आपको बता दूं, सिंगुलर होगा, जैसे ए इज अ मैट्रिक्स, एक ए है तो ये मैट्रिक्स है, जब ए बी ए चाहिए एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो हम इसको कहेंगे मैट्रिसेस। सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का जो प्लूरल है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करना हो तो हम वर्ड यूज करते हैं मैट्रिसेस। जिस वर्ड, ये है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। पेज नंबर 3 के ऊपर अकॉर्डिंग टू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के मुताबिक ये आपका मेंशन है, चैप्टर नंबर, पेज नंबर 3 के ऊपर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स से ही रिलेट कर रहा है ये सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्टूडेंट आपने फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। इसे मुख्तलिफ इसने मैट्रिसेस दिए हुए, ए मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है हमारे पास 2, 3, सॉरी ए मैट्रिक्स उसने हमें 3 दिया हुआ है, इसी तरह बी मैट्रिक्स इसने स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 3 और 5, सी मैट्रिक्स स्टूडेंट उसने हमें दिया हुआ है 5 माइनस 2, डी मैट्रिक्स स्टूडेंट उसने हमें दिया हुआ है 5 3, ई मैट्रिक्स है हमारे पास 4 6 0 2, एफ मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6, जी मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 3 प्लस 3, एच मैट्रिक्स है 4 6 0 2, आई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 3 प्लस 2 और जे मैट्रिक्स है हमारे पास 2 प्लस 2 2 माइनस 2 2 प्लस 4 2 प्लस 0। हां जी स्टूडेंट, ये उसने हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए, डिफरेंट उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए। उसने पूछा है कि बताएं ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स की बात जहन में रखनी 2 पॉइंट, कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3, सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट हमारे पास 3, हां जी,
अब आपने देखना है और थ्री किधर आ रहा है, ये देखे थ्री और फाइव, ये तो ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। सी देखिएगा फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू यानी कि जो ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट वो इक्वल होगा सी के, क्यों ए मैट्रिक्स सी के इक्वल होगा। ये देखिएगा सी मैट्रिक्स क्या दिया उसने हमें, फाइव माइनस टू, तो फाइव माइनस टू का मतलब क्या होता है थ्री, तो दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं होगी। ये देखिए दोनों मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी क्या है इक्वल मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट थ्री और फाइव, थ्री और फाइव फाइंड आउट करें किसके इक्वल होगा, फाइव थ्री। ये देखें अब ये दोनों स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन पे, ये थ्री फाइव फाइव थ्री सिर्फ प्लेसेस चेंज है ना तो इनको इक्वल कह देंगे, गलत। क्या बताया था अगर फर्स्ट थ्री है तो यहां पे भी फर्स्ट थ्री ही होना चाहिए, तो लिहाजा बी और डी इक्वल नहीं है। बी किसके इक्वल आएगा आई के, ये देखिए बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा आई के, क्यों इधर देखे बी की वैल्यू, बी की एंट्रीज क्या है थ्री फाइव, इधर आई की एंट्रीज क्या है थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, तो बी और आई क्या होंगे इक्वल मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट डी देखे, डी डी है फाइव थ्री, फाइव थ्री फाइंड आउट करें इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें फाइव और थ्री हो, किसी में भी, तो लिहाजा डी किसी के भी इक्वल नहीं है। ई मैट्रिक्स देखिएगा फोर जीरो सिक्स टू, ई मैट्रिक्स फोर सिक्स जीरो टू, हां जी किसके मैट्रिक्स से इक्वल होगा, अगर आप देखें तो ई इक्वल होगा जे के, क्यू टू प्लस टू फोर, टू माइनस टू जीरो, ये देखें मैं इसके ऊपर लिख देता हूं जी, ये इसको सॉल्व किया फोर, इसको सॉल्व किया जीरो, इनको सॉल्व किया सिक्स, इनको सॉल्व किया तो टू, तो क्या ई और जे इक्वल नहीं आगे, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ई इज इक्वल टू जे। इसी तरह सिमिलरली एफ देखेगा टू सिक्स, एफ की वैल्यू हमारे पास टू सिक्स, देखें एफ किसके इक्वल आता है, एफ है हमारे पास टू सिक्स, ये देखें टू सिक्स, बाकी कोई मैट्रिक्स नहीं जिसमें टू और सिक्स नहीं, इसका मतलब एफ भी किसी के इक्वल नहीं है। अच्छा ई जे और एच देखें, एच भी तो वही है ना फोर जीरो सिक्स टू, इसका मतलब ई जे और एच क्या है, ये तीनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि तीनों की ऑर्डर भी सेम है और तीनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट इज अ इक्वल मैट्रिसेस। होप सो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जिसमें स्टूडेंट एक तो ऑर्डर सेम हो, नंबर टू उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, उनको नाम दिया जाता है इक्वल मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट इसी इक्वल मैट्रिक्स की बेस बनाते हुए हम इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थ्री मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी बेस क्या है इक्वल मैट्रिसेस की। आपने इक्वल मैट्रिसेस को अप्रोच करते हैं उसका कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री, आपने स्टूडेंट फाइंड करना है ए, ए की वैल्यू, फिर आपने स्टूडेंट फाइंड करना है बी की वैल्यू, फिर आपने फाइंड करनी है सी की वैल्यू, फिर आपने फाइंड करनी है डी की वैल्यू। सॉल्यूशन, हाँ जी स्टूडेंट, ये मैं पहले क्यों मेंशन करता हूं ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ए बी सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मैं क्यों मेंशन करता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको, ताकि सॉरी बोर्ड वाले को ये क्लियर हो, एग्जामिनर को ये क्लियर हो कि यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी पेपर रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो खूबसूरत लिखता है कि आप पता लगे कि क्वेश्चन नंबर थ्री में आप ये वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है आपके पास, गिवन है स्टूडेंट आपके पास ए प्लस सी
और यहां पे c माइनस वन a प्लस टू बी और 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सेवन थ्री इंटू टू डी। ये दो मैट्रिक्स स्टूडेंट उसने हमें गिवन दिया हुआ, ये मैट्रिक्स उसने कहा फाइंड करें ए बी सी डी की वैल्यू। प्लीज ओपन योर बुक एंड एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4 मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूं। प्लीज अपनी बुक से इसको टैली कीजिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आप ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड करना है। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स इक्वेशन। इसका मतलब है आप बुक के ऊपर ये अंडरलाइन करके लिख लें कि ये जो मैट्रिक्स दोनों गिवन है ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो अभी हमने पढ़ा कि उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब है कि ए प्लस सी किसके बराबर होगा स्टूडेंट आपके पास, जीरो के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हमने कंडीशन है हमें बुक वाले ने बता दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसका मतलब है a प्लस टू बी स्टूडेंट किसके इक्वल होगा हमारे पास, माइनस सेवन के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। इसी तरह c माइनस वन इज इक्वल टू 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दे। थर्ड एंट्री थर्ड के बराबर है। और इसी तरह 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दे। ठीक है जी स्टूडेंट, अब अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 सी माइनस वन, ये देखिए स्टूडेंट ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, सी माइनस वन इज इक्वल टू 3। यहां से हमने स्टार्ट किया सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, यहां से सी की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 प्लस वन, वन स्टूडेंट इधर माइनस हो रहा है उधर आके इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस वन और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सिमिलरली अब ये c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, अब हम ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट आपके पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a एज इट इज प्लस c की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट आप, 4 इज इक्वल टू 0, a इधर ही 4 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस 4, तो ये आपके पास a की वैल्यू। अब आपने a और b की, a और a की वैल्यू किसमें पुट कर देनी, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहां से हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, b की, पुट इन 2, a प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ए की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 4 प्लस टू बी एज इट इज और माइनस 7, 2b एज इट इज माइनस 7 प्लस 4, 4 इधर स्टूडेंट माइनस हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस 4, फिर आगे 2b इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास होगी 3/2। हां जी, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और रह क्या गया d, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 4 से स्टूडेंट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। जब स्टूडेंट आपने d की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करें, d वाले तमाम वैल्यूज एक तरफ कर ले, विदाउट d आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं। कैसे, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, d वाली वैल्यू को एक तरफ कर दे, 2d इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, 6 इज इक्वल टू के इस साइड पे माइनस था इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। 4d माइनस 2d कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2d इज इक्वल टू 6, d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3।
हाँ जी स्टूडेंट, एक दफा मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 वो फाइंड करना था आपने स्टूडेंट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, आपने ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। गिवन क्या था हमारे पास, ए प्लस सी, ये मैट्रिक्स हमें गिवन कर दिए थे, कंडीशन उसने हमें ये दे दी थी, बता दिया था क्वेश्चन के अंदर कि ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर करवाया कि इक्वल मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं, कि जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। इनका देखें ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का भी 2x2 और इसका भी 2x2, ऑर्डर सेम है और इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को हमने इक्वल कर दिया, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड एंट्री को हमने स्टूडेंट थर्ड एंट्री के इक्वल और फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री के इक्वल बना के ये हमने इक्वेशंस बना ली, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फिर हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनी c-1 = 3, ये देखे c-1 = 3, c की वैल्यू निकालनी थी, 1 इधर माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो गया, तो 3 + 1 = 4 c की वैल्यू आ। इस c की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, क्योंकि हमने फाइंड कर लेंगे यहां से a की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1 a + c = 0, a एज इट इज, c की वैल्यू 4 निकली थी, ये 4 पुट हो गया = 0 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। फिर a की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाई थी हमने, a + 2b = -7, यहां पे a की वैल्यू स्टूडेंट हमने पुट कर दी -4, जब -4 पुट किया उधर आके +4 हो गया और -3 ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास d की वैल्यू -3/2। फिर इक्वेशन नंबर 4 से हमने d की वैल्यू निकाल ली, 4d - 6 = 2d, तो हमने क्या किया, d की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू एक तरफ कर ली और दूसरी वैल्यू एक तरफ, यहां से जाके एंड पे 2 को जाके डिवाइड कर दिया और d किया, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 जिसके अंदर हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं सारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स के सबसे पहले जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया वो हमें कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ऑर्थर केले ने, कब 19th सेंचुरी में, ऑर्थर केले ने कब 19th सेंचुरी में इन 1858 किया था। फिर उसके बाद हमने सीखा मैट्रिक्स की डेफिनेशन, क्या कहा हमने, रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, और जब हम रियल नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं हम, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, मैट्रिक्स। नंबर 2 हमने बताया कि जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको एंट्रीज कहा जाता है, और मैट्रिक्स को हमेशा आपने जब भी नाम देना है, उसको कोई नेम देना है, अपने नाम देना है, तो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से दिया जाए। उसके बाद हमने सीखा एक मैट्रिक्स के अंदर 2 चीजें आ जाती है, रोस एंड कॉलम, जो लेफ्ट से राइट होती है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है एंट्रीज की, उनको रोस कहा जाता है, जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एंट्रीज की, उनको कॉलम्स कहा जाता है। फिर हमने सीखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि रिलेट करता था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, रोज बाय कॉलम्स, कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं, ये फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हमने सीखा इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स किन्हें कहा जाता था, इसके अंदर 2 बातों का आपने ख्याल रखना है, कि नंबर 1 ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आर सेम, कि जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 2 और उसी को बेस बनाकर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, अगर फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हम अदारे से रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आपको पहले पे 100% ग्रिप हो। अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, आप इसको हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर ये भी कॉन्सेप्ट आपके पास ध्यान में रखने नहीं होंगे, तो आगे आप इसे आगे कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे।